क्या खाते हैं नाश्ते में? वक्त गुजार लिया, अब तो सारी चीजें चलती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अली। आज मैं लोगों से पूछूंगा उनके कॉमन सेंस के बारे में। चेक करते हैं कि लोगों का कॉमन सेंस अच्छा है कि बुरा है। कॉमन सेंस कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र बेहतर है। बेहतर है, अच्छी है तकरीबन। इतनी अच्छी अच्छी है तकरीबन, इतनी अच्छी है। अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा एक सवाल का जवाब दें कि एक फ्लाइट जो कराची से लाहौर जा रही है वो 90 मिनट में जा रही है, लेकिन जब पैसेंजर्स को उतारती है वहाँ पे और नए पैसेंजर्स को लेके वापस आती है तो 1.5 घंटे में आ रही है, इसकी क्या वजह? ये तो नहीं आ रहा। पैसेंजर को छोड़ के वापस जाती है 1.5 घंटा लगता है। बिल्कुल, तो सही है। 90 मिनट से इक्वल टू 1.5 घंटा। 90 मिनट और 1.5 घंटा बराबर तो है। 90 मिनट और 1.5 घंटा एक ही। सही, बिल्कुल। चीज है जो रोशनी में तो हमारे साथ होती है लेकिन अंधेरे में हमारे साथ छोड़ देती है। लाइट। लाइट नहीं, लाइट तो रोशनी में हमारे साथ रहती है हर वक्त और अंधेरे में हमारे साथ छोड़ देती है। हमारी चीजें अलग है वो, लेकिन वो हमारे साथ नहीं देती अंधेरे में। रोशनी। रोशनी हमारे साथ हमेशा रहती है और अंधेरे साथ आंख, हमारी आंखें हैं कि वो तो अंधेरे में। ये तो आई आंखों की रोशनी हो गई, लेकिन देखो वो चीज ऐसी है कि जो अभी भी हमारे साथ है, ठीक है, लेकिन अभी चलते 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 जैसी अगर रात हो जाती है हम लोग अंधेरे में चले जाते हैं तो हमारे साथ होगी ही नहीं। मतलब यानी आंखें तो फिर भी होंगी ना, लगी होंगी तुम्हारे। हिंट नहीं तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट हमारी चीज है, लेकिन वो रोशनी में होती है पर अंधेरे में नहीं होती। अंधेरे में तो खैर लाइट होगी नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज है जो हमारे साथ वैसे तो रहती है, दिन भर हमारे साथ रहेगी, हम जहाँ भी जाएंगे हमारे साथ होगी, लेकिन शैडो। शैडो बिल्कुल सही आंसर है, छोड़ देती है। नहीं बता, पता नहीं, हार मान ली। हार मान ली। साया। साया, हाँ हार मान लो अगर मान सकते हो तो। नहीं नहीं सोचने दे। हमारी है। नहीं हार मान ली। हार मान। साया। अरे एक खातून है, उनका नाम है मिसेस नाइन। मिसेस नाइन। नाइन, हाँ नंबर नंबर होते हैं ना, 9, 10, 11, मिसेस नाइन नाम है उनका। अच्छा, उनका जो बेटा है उसका नाम है 8, बेटी का नाम है 7। उनके हस्बैंड का नाम क्या है? 10। नहीं 10 नहीं है। नहीं, 5। थोड़ा सोचो, सवाल के अंदर ही जवाब है। मिसेस नाइन, उनके बेटे का नाम है 8, बेटी का नाम है 7, उनके हस्बैंड का क्या नाम होगा? मिसेस नाइन, ठीक है, उनके बेटे का नाम है 8, बेटी का नाम है 7, हस्बैंड का क्या नाम होगा? 987। होगा हस्बैंड का नाम 9 है क्योंकि वो मिसेस। सही, उनके हस्बैंड का नाम 9, मिसेस 9 है वो। सही सही, चले 3 में से आपने जो है वो 2 सवाल के जवाब दिए। अच्छा, उनका जो बेटा है उसका नाम है 8, बेटी का नाम है 7, उनके हस्बैंड का नाम क्या है? 9। भाई बड़े प्रो चल, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। भाई आप क्या खाते हैं नाश्ते में? वक्त गुजार लिया, अब तो सारी चीजें चलती रहती हैं। सारी ये वो सारे सवाल आते जो आप हल कर चुके हैं। हाँ।